आपको तो जोशी ने बताया था कि आप एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका सिनेमा में कुछ नहीं चलेगा, आपके पैर में चक्कर है। देख के उसमें कहा गया कि विदेश यात्रा लिखा हुआ है इसके हाथ में, तो नेपाल हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर है। तो सबने कहा कि कहाँ जाएगा विदेश, नेपाल जाएगा ये। और उसमें था कि तुम्हारा एक्टिंग वैक्टिंग में कुछ नहीं होगा, बाद में वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, बोले टीवी दुकान का सेल्समैन बन जाएगा। तो एक्टर का स्क्रीन पे आएगा इसकी संभावना मेरी लाइफ में कभी भी नहीं थी। पटना गए तो थे मेडिकल की पढ़ाई करने, पिताजी ने कहा था ना कि डॉक्टर बनना है, मुझे लग गया था कि मुझसे नहीं होगा। और डॉक्टर में भी टर लगता है, एक्टर में भी टर लगता है, तो बात टर हो गई, डॉक्टर नहीं बना एक्टर बना। होटल में भी आपने काम किया, आपने वहाँ भी शरारत की, मनोज वाजपेयी के जूते चुरा लिए। आप चाहते हैं ना गुरु की निशानी कुछ रह जाए, तो गुरु जी होटल चेकआउट करके चले गए थे और उनका एक रबड़ का स्लीपर छूट गया था। कम से कम गुरु के खड़ाऊ में पैर डालने का प्रैक्टिस तो करूँ, तो मैं लेके आया था और उस चप्पल ने मेरी तकदीर बदल दी। आप एक डेली सोप कर रहे थे, उसमें विलन का रोल कर रहे थे, और उस समय गैंग ऑफ वसेपुर का रोल मिला, क्रूशल सीन था, उसको छोड़ के आप गायब हो गए और गैंग ऑफ वसेपुर में काम करने चले गए। मैं बोला डेट मैनेज कर लो, एक बड़ी फिल्म मिली है। माने ही नहीं। मैं बोला मैं छोड़ दो, मेरे को निकाल दो, मैं जा रहा हूँ फिल्म करने गैंग्स ऑफ वसेपुर। तो उसने बोला कि अरे तुम विलेन हो, हीरोइन की शादी होने वाली, तुम नहीं रहोगे तो रोकेगा कौन। मैं बोला मैं हीरोइन की शादी रोकने के लिए ना हूँ, मैं अपना करियर ना देखूँ उधर। लेकिन आप गए भी तो क्या करने, कसाई का रोल करने। जी, बहुत दुखदाई था वो, तो जैसे तैसे कर लिया। उस रोल से आपको काफ़ी लोकप्रियता तो मिली, लेकिन रोल भी क्या था, गालियाँ और गोलियाँ। पैसे नहीं मिले सर। मिर्ज़ापुर में भी आपने अपने रोल में किरदार में बदलाव किए थे। मैं मिर्ज़ापुर में डराता नहीं, मतलब ये सब नहीं करता हूँ जो एक टिपिकल विलेन करते हैं। मैं इत्मीनान से बैठ के बातें करता हूँ, सॉफ्ट स्पोकन है कालीन भैया। कालीन भैया को अगर कोई जानता ना हो कि ये क्या करते हैं, तो बोलेगा बहुत अच्छे आदमी हैं यार। पंकज जी, बहुत सारे इंटरव्यूज में आपके देखता हूँ, आप बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, लोगों को बताते हैं अंधेरे से उजाले में कैसे आना है, सरल सादगी जिंदगी कैसे जीनी है, लेकिन रोल करते हैं गैंगस्टर के। जिस दिन ज्ञान देने से पैसा मिलने लगेगा छोड़ दूंगा। आप रोल में पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन मैंने सुना कि एक्टिंग चल रही होती है, सीन चल रहा होता है, आप सो जाते हैं। जिस सीन में देखना कि नाइट का लाइटिंग है और मैं ऐसे किया हुआ हूँ, तो मैंने एक्टिंग को इतना साध लिया है ना कि सोए सोए में कर लो। कई बार ऐसा भी हुआ कि आप बीमार थे, सेट पर एम्बुलेंस खड़ी थी और आप रोल करते रहे। जी ऐसा हुआ है, दो बार हुआ है, और अब मैं भी नहीं करूँगा। मैंने भी तय कर लिया कि सेहत पहले। मैं जब अपनी बेटी को देखता हूँ और बीवी को, तो मुझे लगता है कि मैं कहाँ समय इन्हें दे पा रहा था। इस बार मैंने तय किया है जुलाई में, मतलब मानसून में, मैं 20 बरसात पत्नी के साथ देखूँगा, कुछ नहीं देखूँगा, पानी को बरसते हुए पत्नी को बुलाऊँगा, आओ यहाँ बैठो, क्या करना है, मतलब बारिश देखना है। और ऐसी बरसात में कोई साइनिंग अमाउंट की बारिश लेकर आया तो बोलेंगे छाते के नीचे रख दो। सर आजकल गूगल सर्च करो तो ये पता चलता है कि आप एक फिल्म का 4 करोड़ साइन करते हैं, लाइक लेते हैं। वो आपकी तो... इनकम पूछ रही हैं। तो क्या ये सच बात है सर? सच नहीं है। ज्यादा लेते हैं सर? मजा बहुत लेते हैं आप जब रोल करते हैं तो। सर पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में जाता है, मजा से ही अपना जीवन चलता है। तो मजा सिर्फ असली कमाई है दोस्त, मजे में ट्रेवल करो, उसकी कोई कीमत नहीं है, और वो बेस्ट कीमती है, सबसे महंगी चीज़ है मज़ा।
अटल जी पर फिल्म बना रहे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी पढ़ा? जी बहुत पढ़ा, लेकिन मुझे अफसोस है कि शूटिंग के पहले मैं आपसे नहीं मिला, एक पहलू और आ जाती। अटल जी भी बहुत इमोशनल इंसान थे। जी अब मुझे मालूम नहीं आपकी फिल्म में ये निकल के आएगा या नहीं। आएगा, आएगा। मैंने उनसे कहा था कि अटल जी मुझे आपसे बोलने की कला सीखनी है, भाषण देने की, तो उन्होंने कहा था कि हमसे बोलने की कला मत सीखिए, अगर कुछ सीखना है तो ये सीखिए कि चुप कहाँ रहना। कितनी बड़ी बात है। किसी भी फिल्म से आप अपना एक फेवरेट डायलॉग सुना दीजिए। आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के।